आत्मनिर्भर भारत की उड़ान। अलग अलग क्षेत्रों में मेड इन इंडिया का जलवा दिखाई दे रहा है। एविएशन सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है। इस दिशा में भी हिंदुस्तान के कदम बढ़ चुके हैं। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहला मल्टी रोल एयरक्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसे नाम दिया गया है हिंदुस्तान 228। ये विमान 19 सीटर है और इसका इस्तेमाल उड़ान स्कीम के तहत करने की योजना है। आत्मनिर्भर भारत की ये बुलंद तस्वीर है। आसमान में आम हिंदुस्तानी की उड़ान को इस विमान ने नई ऊंचाई दे दी है। PM मोदी के सपने को साकार करने वाले इस विमान के ऊपर लिखे ये शब्द हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर देने के लिए काफी है। मेड इन इंडिया यानी भारत में निर्मित इसे छोटे नागरिक परिवहन विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। चूंकि ये विमान मेड इन इंडिया है, लिहाजा इसका नाम भी बिल्कुल स्वदेशी है, हिंदुस्तान 228। 19 सीटों वाले इस विमान में कई खूबियां हैं। इस विमान को आधे अधूरे तैयार रनवे से संचालित किया जा सकता है। हल्का होने से ये विमान बिना पक्की वाली हवाई पट्टी से भी उड़ान भर सकेगा। विमान का उपयोग एम्बुलेंस, कार्गो और पैराड्रॉप के रूप में किया जा सकता है। HAL के महाप्रबंधन अपूर्व राय ने बताया कि हिंदुस्तान 228 का विमान डोर्नियर GMBS से मिला था। ये विशेष विमान टाइम सर्टिफिकेशन के तहत है और इसके सभी प्रशिक्षण पूरे कर लिए गए हैं। इसे सरकार की उड़ान योजना में शामिल किया जा सकता है। इसकी खासियत ये है कि यह आधी तैयार और कच्ची हवाई पट्टी से भी उड़ान भर सकता है। राज्य सरकार और निजी क्षेत्र की तरफ से इस विमान को उड़ान योजना में शामिल करने को लेकर काफी रुचि जताई गई है। There are lot many interest from the state governments as well as the private party also to make it deployable in Uran scheme, Arshi scheme. HAL ऐसे 6 और विमान बना रही है। विमान ने सभी परीक्षण मापदंडों को पूरा कर लिया है। HAL के अधिकारियों के मुताबिक पणजी से 40 किलोमीटर दूर सत्तारी से उड़ान 2023 के अंत तक चालू हो जाएगी। HAL ने इस विमान को उड़ान योजना के तहत तैयार किया है, जिसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल 2017 को ही की थी। इस योजना का मकसद आम लोगों को हवाई सफर की सुविधा देना है। खैर, ये सच है कि भारत विमानों और हथियारों के बड़े इंपोर्ट देशों में शुमार किया जाता है, लेकिन बीते कुछ सालों से भारत ने इस मामले में अपनी निर्भरता को कम करते हुए अपने विमानों और हथियारों को खुद बनाना शुरू किया। देश में विमानों को तैयार करने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि भारत के विमानों की बिक्री का एक बड़ा बाजार मिल गया, जिसकी वजह से वो निर्यात करने लगा। खैर, अब देखना ये होगा कि भारत के इस कदम से पड़ोसी देश में कितनी बौखलाहट मचती है, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। आत्मनिर्भर भारत की ओर भारत का ये कदम कई देशों की नींद उड़ाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।